बिल्कुल सही कहा आपने कि फ्लोर टेस्ट के लिए दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से मांग रख दी और ये करना लाजमी था, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि एक दांव कांग्रेस की तरफ से यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से खेला गया था और उसके बाद दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये दबाव बन गया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई सरकार को गिराना है तो एक कदम आप जरा आगे बढ़ाइए, आप भी साथ आइए। और दुष्यंत चौटाला ने कल ये कहा कि हम सरकार के लिए, सरकार को गिराने के लिए आगे आने को तैयार है, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से यानी बाहर से समर्थन देंगे। आप समझिए ये वो विपक्ष है जो कि सत्ता में सत्ताधारी दल के साथ 4.5 साल तक था और उसके बाद अब चूंकि उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव बन गया है। इसके पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो अभी सिनेरियो है उसमें कोई भी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कदम पहले ही कांग्रेस उठा चुकी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट अपने बेटे के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए चला था, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही, लेकिन अब वो पाला बदल गया। अब वहां पर दुष्यंत चौटाला पर राजनीतिक दबाव आ गया है कि उनका कदम क्या होगा। और दुष्यंत जब ये दावा करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो आपको ये समझना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज तमाम लोग ये भी समझते हैं कि असल में उनका ये स्टंट जो उनको कितना मजबूती दे पाएगा, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके खुद के जो 10 हैं विधायक वो उनके साथ हैं या नहीं है। देवेंद्र बबली का हमारे ही हरियाणा के हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं दीपक, उन्होंने जब कल इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही हैं, अगर वो दर्शक सुन रहे थे तो उसको आप देखिए और समझिए कि वो कहते हैं कि हम अगर 6-7 मिलकर अपना कोई नया नेता चुन लेते हैं तो फिर दुष्यंत क्या करेंगे। दुष्यंत के ऊपर, अजय सिंह चौटाला के ऊपर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे इसके पहले भी और कल भी, लेकिन आज के दौर में दुष्यंत के ऊपर ये दबाव था और उस दबाव के चलते उनको ये पत्र लिखना पड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारे पास अभी भी पूरी तरह से बहुमत है, जब जरूरत पड़ेगी हम उसको फ्लोर टेस्ट अगर कराने की नौबत आती है तो हम साबित करके दिखा देंगे। जो आंकड़ा है उनके पास है, जो एक कम आंकड़े की बात कही जा रही है उसके लिए भी कोई बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि खुद जेजेपी पार्टी के अंदर के तमाम जो विधायक हैं वो भी दुष्यंत से, उनकी पार्टी से नाराज हैं। देवेंद्र बबली सबसे ताजा नाम है और खुलकर उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही, हमारे चैनल पर ही एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि दुष्यंत को सोचना पड़ेगा कि ये पार्टी उनके परिवार की पार्टी नहीं है। जो हम विधायक जीते थे उनके पार्टी के सिंबल पर नहीं जीते थे बल्कि अपने दम पर जीते थे, यानी पार्टी के अंदर, दुष्यंत की पार्टी के अंदर जो 10 विधायक हैं उनके अंदर कितनी नाराजगी है इसको आप समझ सकती हैं। और उसके बाद जब पत्र वो लिखते हैं तो उनके पास इसका आधार होना चाहिए कि कम से कम पहले वो ये साबित करें कि 10 के 10 उनके पास हैं, उसके बाद वो सरकार से कहें कि वो बताएं कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। जी चलिए ठीक है, अतुल जी मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारन भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीप कमल जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दीप कमल जी, दुष्यंत चौटाला की ओर से अब विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग तो कर ही ली गई है और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट की मांग भी उनकी ओर से की गई है और ये कहा गया है राज्यपाल से पत्र लिखकर, क्या तैयारी जेजेपी की इसको लेकर है आगे? देखिए, जो हमारी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया है उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आज के दिन ऑफिशियल जो स्वरूप है वो क्या है। उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, इंडिपेंडेंट 6, अलोपा का 1 और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक है, 2 सीटें खाली हैं। इस विवरण के साथ और जो आंकड़ा बनता है उसके हिसाब से सरकार अल्पमत में है। जिस संख्या के साथ, जिन विधायकों की सूची देकर नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च को शपथ ली थी वो बदल चुकी है। उसमें से 3 विधायक जो हैं वो उनका साथ छोड़कर खुले तौर पर विपक्ष के साथ आ गए हैं, बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं, सरकार के खिलाफ आ गए हैं, और 2 विधायकों का इस्तीफा भी हो चुका है तब से बाद में। तो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके आलोक में हमने माननीय राज्यपाल महोदय से ये अपील की है कि वो अपनी एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार से कहें कि वो अपना फ्लोर टेस्ट करवाएं और अपना जो आंकड़ा है वो फिर से जाहिर करें लोगों के सामने, विधानसभा के सामने, बहुमत का। देखिए, ये बात निश्चित है कि सरकार आज के दिन अल्पमत में है। जो संख्या उनको लेकर शपथ ली थी नायब सिंह सैनी ने वो संख्या बरकरार नहीं है। अब उसके बाद की परिस्थितियां कि असल में जब फ्लोर टेस्ट होता है तब क्या आंकड़ा सामने आता है, इसके बारे में तभी तो स्पष्ट होगा जब वो फ्लोर टेस्ट हो पाएगा। और उसके लिए या तो राज्यपाल महोदय की तरफ से कोई शुरुआत होनी चाहिए, आदेश होना चाहिए सरकार को, या फिर एक और कोशिश जो नेता विपक्ष हैं आज के दिन, जो अपनी एक नेता विपक्ष की सुविधाएं ले रहे हैं और ओपोजिशन को लीड कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से कोई ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, कोई कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने विपक्ष के जो नेता होने की जिम्मेदारी है वो निभाएं, कि उनके सामने खड़े हुए एक मुख्यमंत्री बिना बहुमत की सरकार ना चलाते रहे, ये इतिहास में दर्ज होगा।
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष थे और उनके सामने एक व्यक्ति सरकार चलाता रहा जिसके पास बहुमत तक नहीं था, तो ये कैसा नेता है विपक्ष का। मैं मानता हूं कि आज की राजनीतिक परिस्थिति में लोग ये देख रहे हैं कि कौन लोगों के हित में एक अल्पमत की सरकार को हटाने के लिए कोशिश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है दीप कमल जी, मेरे साथ हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। दीप कमल, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा विवरण दिया है, मुझे लगता है कि शायद चूंकि आप भी पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अब एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है, ये विवरण आप लोगों को कब पता चला? क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला की आती है, फिर दुष्यंत चौटाला की आती है और आप कहते हैं कि जो मौका था अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का वो कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है, तो अब इस विवरण को प्रस्तुत करने का और फिर उसके बाद जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 88 का आंकड़ा रह गया है, इसको देने का मतलब क्या है? क्या 10 के 10 विधायक आपके अपने साथ हैं, इसका विवरण है? नहीं, देखिए दो सवाल, दो पहलू हैं इसके अंदर। एक ये कि क्या आज के दिन फ्लोर टेस्ट हो सकता है या नहीं। विधानसभा के अंदर नायब सिंह सैनी जी के खुद के लिए जो विश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसके बाद संभवतः 6 महीने तक के लिए उनको एक इम्यूनिटी है कि वो फ्लोर टेस्ट ना दोबारा करना पड़े। ये विधानसभा के अंदर की बात है कि विधानसभा के अंदर उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जा सकता हो, लेकिन गवर्नर के पास पूरे अधिकार हैं, उसका विवरण हमने दिया है आर्टिकल 174 के अनुसार क्या संभावनाएं हैं और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या है 1994 में जो आई है वो हमने अपने लेटर में पूरी लिख कर दी है कि गवर्नर साहब की क्या जिम्मेदारी है ऐसी स्थिति में। यही मैं जानना चाह रहा था, आप विधानसभा के अंदर के सिनेरियो को बता रहे हैं, राज्यपाल के पास क्या अधिकार है वो बता रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि ये तब हुआ जब दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चैलेंज कर दिया कि आप आइए पत्र लिखिए, तो उस दबाव में आपको ये विवरण देना पड़ा है, पत्र लिखना पड़ा है? नहीं, हम किसी के दबाव में क्यों हैं? हमने तो जब जैसे ही 3 निर्दलीय विधायक सरकार के पास से उठकर विपक्ष में चले गए तभी उसी वक्त कह दिया था कि ये सरकार अल्पमत में है, इसको प्रोटेस्ट करवाना चाहिए और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी कहा था कि हमने परसों ये कहा था कि हम लेटर लिखेंगे। दीप कमल भाई, एक हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। अच्छा, पूरी कर ली अपनी बात, पूरी कर ली देता हूँ। परसों का घटनाक्रम है निर्दलीय विधायकों का, परसों हमने कहा था कि हम इस पर गवर्नर से अपील करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। जो चिट्ठी हमने लिखी है वो कल की तारीख की है, 8 की तारीख में हमने उसको चिट्ठी को लिख दिया है, भेज दिया गवर्नर हाउस में कल ही। ठीक है, हमारी तरफ प्रवीण अत्रे साहब, भाई दीप कमल साहब का ये कहना है कि विवरण प्रस्तुत कर दिया है, सरकार अल्पमत में है और राज्यपाल के पास अधिकार है और पूरा ब्यौरा जो इन्होंने दिया है उसके आधार पर वो मांग कर रहे हैं, जेजेपी मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, अब बीजेपी क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि दीप कमल जी की एक बात तो पूरी तरह से गलत है, सरकार अल्पमत में नहीं है। हाँ, दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि अधिकार राज्यपाल जी के पास है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतुल भाई देखना पड़ेगा। देखिए, ये सब जेजेपी और कांग्रेस की आपस की राजनीतिक चालों की शह और मात का खेल है, सरकार से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संबंध है। परिस्थितियों में कहीं कोई बदलाव नहीं है। कल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मीडिया में आके स्पष्ट तौर पे एक जानकारी देते हैं कि जिन 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया उसकी लिखित जानकारी अध्यक्ष के पास नहीं है, नंबर 1। दूसरा, देवेंद्र बबली आपके चैनल पे जो आके बोलते हैं, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो जेजेपी को ये देखना चाहिए कि क्या जेजेपी के विधायक जेजेपी के साथ है। अगर वो बार बार एक बयान देते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े, हम पीछे से समर्थन देंगे, समर्थन देने से पहले ये तो तय कर लें कि आपकी अपनी स्थिति क्या है। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, कोरी राजनीति है, सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार कोई अल्पमत में नहीं है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और जब समय आएगा हम ये साबित भी करेंगे। अत्रे साहब, तो फिर आप ही खुलासा कर दिए, शायद दीप कमल तो ना बता पाए, जेजेपी के कितने आपके साथ हैं? देखिए, ये तो देवेंद्र बबली, आप ही देख रहे थे, आप ही के चैनल पे सुन रहा था मैं। बबली जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा था कि कहीं 7 विधायक अलग से अपना नेता ना चुन ले। ये तो बबली जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, तो हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। दीप कमल, आपकी पार्टी अगर कोई कदम बढ़ाते हैं वो आपका अधिकार है, लोकतंत्र में आपके पास पूरा अधिकार है, लेकिन जो बात प्रवीण अत्रे कह रहे हैं उसका जवाब है आपके पास कि खुद आपकी पार्टी का पूरा ब्यौरा है आपके पास कि हाँ 10 के 10 आपके साथ हैं, क्योंकि बगावत पार्टी के अंदर ही दिख रही है? देखिए अतुल जी, गवर्नर महोदय को जो हमने चिट्ठी लिखी और स्थिति की तरफ अवगत करवाया वो एक औपचारिक स्थिति है सरकार के संख्या के मामले में। सरकार अल्पमत में है 100% है। सरकार संकट में है या नहीं है
ये आप सवाल कर सकते हैं कि क्या वाकई फ्लोर टेस्ट जब होगा तब। तो अत्रे साहब कह तो रहे हैं कि अल्पमत में नहीं है सरकार, सैनी साहब कह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। सरकार अल्पमत में है, संकट में है या नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट के वक्त कम से कम उस बात को हम टाल सकते हैं कि संकट में रहेगी या नहीं रहेगी। अल्पमत में तो 100% है, क्योंकि 48 के साथ शपथ ली थी, 3 जा चुके, 45 दो इस्तीफा दे चुके, 43 ही तो रह गए उस दिन के हिसाब से। अब नए जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो जब गिनती होगी तभी पता चलेगा ना। 2016 में आर के आनंद जी दिल्ली से गए थे बिल्कुल पूरा पक्का आंकड़ा लेकर, क्या वो राज्यसभा में पहुंच पाए हरियाणा विधानसभा के माध्यम से? पिछले साल अजय माकन पूरा आंकड़ा लेकर गए थे, क्या वो राज्यसभा में पहुंच पाए हरियाणा विधानसभा के माध्यम से? वहां पर स्थितियां वोटिंग के वक्त क्या होती है वो तो दोनों तरफा है ना। अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ सकते हैं, इनके साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो तो कोई घटाने वाला भी हो सकता है कि घट जाए बातें। और जहां तक देखिए राजनीतिक बात अगर होनी है और हमारी पार्टी के बारे में लोगों को लगता है कि कोई पार्टी तोड़ सकते हैं या पार्टी कुछ हो सकती है, क्या उन 6 विधायकों में से किसी ने आज तक जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है? ये कहा है कि जननायक जनता पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं जननायक जनता पार्टी? कहे ना एक तो कहे, 6-6 में से किसी एक में तो हिम्मत होगी ऐसी? अगर इतनी ही निष्ठा दिखानी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो एक तो अपनी योग्यता का, अपनी सदस्यता का त्याग करे कम से कम। एक आदमी तो ये कहे कि मुझे नहीं चाहिए विधायक, मैं छोड़ता हूँ पार्टी। अत्रे साहब, दीप कमल कह रहे हैं कि इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ही अगर बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं कि संकट में नहीं है सरकार लेकिन अल्पमत में है, और इसी वजह से उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। देखिए पहली बात तो ये है कि दीप कमल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार संकट में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को समझा। दूसरी बात, जहां तक अल्पमत और बहुमत की बात है, अल्पमत और बहुमत तय होगा जब इस विषय पे कहीं हमें साबित करना होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर दीप कमल जी से कहूंगा, वो कह रहे थे कि किसी विधायक ने कभी कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। साहब विधायक ने पार्टी छोड़ना तो छोड़िए, विधानसभा में आपके नेता को पार्टी छोड़ने के लिए बोला था। रामकुमार गौतम जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दुष्यंत चौटाला को बोल दिया था कि छोड़ दे पार्टी। तो जिसकी पार्टी की अंदरूनी स्थिति इस तरह की हो, नेता के प्रति विधायकों की इस तरह की शब्दावली हो, मुझे लगता है कि उनको अगर अपनी राजनीतिक चाल कांग्रेस को शह मात देने के लिए चलनी भी है तो कम से कम परिस्थितियों के ऊपर ध्यान रख के चले, मजाक का पात्र ना बने, जनता में हंसी का पात्र ना बने, मेरा ऐसा मानना है। दीप कमल साहब, अत्रे साहब बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पत्र लिखा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लिखने का अधिकार है आपके पास, लेकिन फजीहत आप ही की हो जाएगी। कोई फजीहत नहीं होने वाली है, फजीहत हो रही है नई सरकार की, वो सरकार जो मनोहर लाल जी अपना सारे जो उनकी अलोकप्रियता हो गई थी, अनपॉपुलैरिटी हो गई थी, उसका बलि का बकरा बनाने के लिए नायब सिंह सैनी जी के गले में डाल के चले गए। खुद करनाल में वोट मांग रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी को सरकार चलानी नहीं आ रही, उनको पता ही नहीं है कि कैसे लोगों को संभाल के रखना है। 4.5 साल तक जब हमारी पार्टी बीजेपी की सरकार के साथ रही, एक दिन भी मनोहर लाल जी को रात को सोते वक्त ये चिंता नहीं हुई कि उनके नंबर कम है, एक दिन भी। कितना बड़े से बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे ले सकते थे, कभी भी लिए होंगे उन्होंने। कोरोना काल भी आया, किसान आंदोलन की चुनौती भी आई, कितने उस चुनाव आए, राज्यसभा के चुनाव आए, राष्ट्रपति का चुनाव आया, अविश्वास प्रस्ताव आए, एक दिन भी कभी उनको इस बात की चिंता नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की उनके पास संख्या कितनी है। और जैसे ही हम पीछे गए हैं, आज देख लीजिए 3 लोग छोड़कर चले गए, हमारे वक्त होते तो संख्या बड़ी है। आदमपुर से एक बाई इलेक्शन में व्यक्ति जीतकर जुड़ा है। दीप कमल भाई, राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, गठबंधन का दौर आपने भी देखा था, और आप कह रहे हैं कि आपके सहारे ही सरकार चल रही थी, और नींद भी अगर मुख्यमंत्री को आ रही थी तो आपके सहारे ही आ रही थी, ऐसा नहीं है, वो आप भी जानते हैं नींद किसकी अभी फिलहाल उड़ी है। बहरहाल केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। ढींगरा साहब, भाई हुड्डा साहब ने चैलेंज किया था दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, उन्होंने पत्र लिख दिया है कि सरकार अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ये उनका उठाया ठोस कदम है या आपके कहने के बाद, चैलेंज करने के बाद मजबूरी में उठाया गया कदम है? नहीं देखिए, चैलेंज नहीं है ये, सरकार अल्पमत में है और जेजेपी ने, हमने कहा था जेजेपी अपनी बात रखे और जेजेपी ने लेटर लिख दिया है, तो हमारा जो डेलीगेशन है आफताब जी और उनके नेतृत्व में और भूषण बत्रा जी के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा और हम टाइम ले रहे हैं, जैसे ही टाइम आता है हमारे पास तो हम राज्यपाल जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे उनके साथ। और ये जो सरकार है ये अल्पमत में है सरकार, और हम इस सरकार को गिराने के लिए पूरी बात रखेंगे। अत्रे साहब भाई, जेजेपी और कांग्रेस एक हो गई है। देखिए ऐसा है, राजनीति के अंदर हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है
कि उसके राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो वो करे, और इनको करना चाहिए, उनका अधिकार भी है। ये मात्र केवल आपसी राजनीति जेजेपी और कांग्रेस की और उसकी शय और मात की चालें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, और जब समय आएगा तो हम ये साबित भी करेंगे, ये मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल दीप कमल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए कांग्रेस का भी आपको साथ मिल गया है, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि उनका डेलीगेशन भी जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात करेगा, और आप लोगों ने चिट्ठी लिख दी है। सरकार की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से जो सत्ता में है, प्रवीण अत्रे बार बार कह रहे हैं कि हमें जब जो साबित करना होगा हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कहीं फजीहत आपकी पार्टी की ना हो जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता वो खुलकर आपका विरोध कर रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण हमारे ही चैनल पर देवेंद्र बबली। मैं तो कह रहा हूं हमारी पार्टी के नेता ने अगर ये चिट्ठी लिखी है तो बहुत सोच समझ कर लिखी है। उसके बाद क्या क्या संभावनाएं राजनीति में, सरकार में, हमारी पार्टी में हो सकती है, सब सोचा हुआ है। और कई बार राजनीतिक कारण भी होते हैं कोई इस कदम उठाने के, जो दिखता है वो नहीं, दूसरे कारण भी होते हैं। जो आप संभावनाएं कह रहे हैं वो भी उसका एक हिस्सा हो सकती है। दिखे तो सही, लोगों को सामने आए तो सही, कुछ त्याग करके तो देखे। बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है कि पार्टी पर कब्जा भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक दिन पार्टी को चलाकर और पार्टी के बारे कदम तो उठा के देखे, पार्टी से बाहर जाकर चक्कर में क्या होता है। ये पार्टी 2018 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश पर, दुष्यंत चौटाला जी ने बनाई थी। हमने बाई इलेक्शन लड़े, हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हमने पार्टी को खड़ा किया। जो लोग आज कहते हैं पार्टी के बारे में, एक आदमी गिनवाए तो सही जो उन्होंने जेजेपी में ज्वाइन करवाया, साढ़े चार साल में विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, अपने यहाँ पर कभी कोई जलसा करवाया, कभी कोई रैली करवाई हो, कोई बताया तो सही कि हाँ हमने जेजेपी में ये जोड़ा है, जेजेपी ने उनको विधायक बना दिया। कोई 20 साल बाद बनाया, कोई तीसरी बार इलेक्शन लड़के बनाया है, कोई 40 साल बाद बनाया विधायक ईश्वर सिंह जैसे, और उनको विधायक बना दिया, उनको सरकार का रास्ता दिखा दिया, विधानसभा में सम्मान से बैठा दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। और चलिए ये आपकी पार्टी का विषय है, मूल विषय पर फिर से आते हैं। मैं फिर से ढींगरा साहब आपसे एक आखिरी सवाल ही ले रहा हूँ, कांग्रेस का डेलीगेशन अकेले जाएगा या आप दोनों साथ जा रहे हैं, जेजेपी और आप दोनों साथ जाएंगे? नहीं देखिए, कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो आफताब अहमद जी जो हमारे डिप्टी सीएलपी लीडर है और उनके साथ भूषण बत्रा जी और उनके नेतृत्व में जाएगा। टाइम ले रहे हैं हम, जैसे ही टाइम मिलता है तो हम राज्यपाल जी को मिलेंगे और उनको अपना बहुमत बता देंगे कि हम 33 हैं और 10 ये हैं, 43 हैं और बाकी के दो लोग और हैं, वो अभय चौटाला जी और बलराज कुंडू, हमारे पास 45 हो गए। उसके बाद राकेश दौलताबाद एक और है, वो 46 हो गए और इनके पास जो है 42 रह गए। तो ये अल्पमत में है सरकार और इस बात की दावा हम अपना पेश कर देंगे और इस दावे के बाद सरकार बाकी गवर्नर साहब जो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। चले बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अत्रे साहब आपका भी, ढींगरा साहब आपका भी और दीप कमल आपका भी। तो मौजूदा दौर में अंशिका आप देखिए समझिए जो कि इस वक्त माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो को अपने पाले में लाने के लिए है। इसमें अगर वाकई कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड लिया गया था, जेजेपी अब उस स्टैंड पर आगे बढ़ रही है तो विकल्प इनके पास कितना है। और फिर ये आखिरी बात कहते हैं कि राज्यपाल को उनके पास जो अधिकार है उसका कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा होता है राजनीति में? क्योंकि मौजूदा दौर में ना सिर्फ बीजेपी के पास बहुमत की जो बात वो बार बार दोहरा रहे हैं वो है, दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, आंकड़ों में भले एक कम है लेकिन जेजेपी के विधायकों का समर्थन भी हो, जिस तरीके से उनकी बगावत उनके अलग अलग बयानों में दिखाई दी वो जेजेपी के लिए खुद चुनौती है। तो अगर राज्यपाल इस पत्र के बाद कोई कदम उठाते भी हैं तो वहां पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत सरकार के लिए, हाँ खुद पार्टी के लिए, जेजेपी पार्टी के लिए दिक्कत जरूर है क्योंकि बयान अब बहुत धारदार होते जा रहे हैं। अंशिका अतुल जी, जो राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से दावे हजार किए जा रहे हैं लेकिन अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि हरियाणा की सियासत अब आगे क्या नया मोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।